आजकल बहुत से लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। आम जुबान में हीट स्ट्रोक को लू लगना भी कहते हैं। इसकी वजूहात में शदीद धूप, पानी की कमी और जिस्म के दर्जा हरारत का बढ़ जाना शामिल है। अगर जिस्म अपना दर्जा हरारत काबू करने में नाकाम हो जाए तो इंसान हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है। हीट स्ट्रोक शदीद गर्मी में जिस्मानी मशक्क़त करने से होता है। हीट स्ट्रोक की अलामत में बेहोश होना, झटके लगना, बहुत तेज़ बुखार होना, सांस मुश्किल से आना, शदीद बेचैनी और परेशानी होना, दिल की धड़कन तेज़ होना, ज़्यादा पसीना आना या बिल्कुल पसीना ना आना, जिल्द का सुर्ख, गर्म या खुश्क होना, कह आना और सर में दर्द होना शामिल। अगर कोई शख्स हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाए तो उसकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए ऐसे शख्स को फ़ौरन ठंडी जगह मुंतकिल करें। फ़ौरन ठंडा पानी, लीमू पानी या लस्सी पिलाएँ। कपड़े अगर तंग हैं तो उन्हें ढीला करें। पंखा चलाएं या गत्ते से हवा दें। गर्दन, बगलों, कलाई, टखनों और रानों पर बर्फ की सिकाई करें। बर्फ़ वाले पानी से नहलाएं मत। पंखा चलाया है, बर्फ़ के साथ उसके गर्दन बगलों की सिकाई की। एहतियात इलाज से बेहतर है, इसलिए मंदरजा ज़ैल एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। धूप में ना निकलें, अगर निकलना पड़े तो सर और चेहरा ढाँप कर निकलें। काम छाँव में करें। चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, शराब वगैरह से परहेज़ करें। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। गर्म और तंग कपड़े ना पहनें। मशक्क़त तलब काम सुबह सवेरे कर लें और दोपहर को काम करना पड़े तो वक्फे वक्फे से करें और खूब पानी पिएं।